भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। कट्टरपंथी इस्लामी भीड़ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर उतारू है, जिसके चलते हिंदू समुदाय के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत ऐसी है कि कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उत्तराखंड में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में हिंदू समाज ने गांधी पार्क जसपुर से एक मशाल यात्रा निकाली। ये यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए सुभाष चौक पर खत्म हुई। वहीं हिंदू युवाओं ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसका वो विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदू अब पीछे नहीं है। मेरा नाम है दीपक कुमार राणा, और जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, वो एक हिंदुओं के खिलाफ जो सोची समझी साजिश चल रही है, जो विदेशों में फंडिंग होती है और फंडिंग के माध्यम से सोच रहे हैं कि हिंदू धर्म हिंदू समाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे प्रयासों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंदू कहीं पीछे नहीं है। और आज हिंदू पूरे वर्ल्ड में जो है अपने आप को संगठित कर रहा है, और उसका परिचय बांग्लादेश में लोगों ने इकट्ठा होकर के ये परिचय दिया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए वो लोग भी सब अकेले नहीं, वो भी हमारे सब भाई हैं। उसी एकता को दिखाने के लिए यहाँ पर आज जसपुर में एक विशाल एकता प्रदर्शन किया जा रहा है। बहरहाल इस समय बांग्लादेश के अंदर जिस तरह के हालात हैं, उसको देखते हुए हिंदू बांग्लादेश में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहां लगातार हिंदुओं को टारगेट कर उनके घरों में आगजनी की जा रही है। अब बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू करें तो क्या करें? आपको बता दें कि बांग्लादेश में वर्तमान में लगभग 1,30,00,000 हिंदू रहते हैं। पंजाब केसरी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।